एक बिहारी है मनीष, और भी बेतिया चंपारण का है, सौ पे भारी पड़ेगा। जितने भी पॉलिटिक्स मैन है सब पे भारी पड़ेगा, देखिए माँ का प्रेम है। तो बेतिया वाले इतना नहीं है कि डर के पीछे हट जाएंगे, मनीष का सबके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। एक नहीं हजार FIR दर्ज कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मनीष कश्यप को। वो जा रहा है, जनता को उसके प्रति प्यार है, उम्मीद है, आशा है, जिसके चलते वो भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब उसके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन, उसमें वो दोषी थोड़ी है। अब मान लीजिए आप जाएं, हम जाएं, कहीं कोई जाए, आप बीच को बीच इकट्ठा हो जाए, तो हम दोषी थोड़े हैं। आगे बढ़ने वाला आदमी केस से नहीं ना डरता है, आप उसका बाइट उठा के देख लीजिए। वो स्टेटमेंट दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। NSA से बड़ा केस नहीं ना किए हैं, जब NSA में तमिलनाडु से दो सरकार को पानी पिया के आ गए तो इसमें भी जीत जाएंगे। पत्रकार हैं आप, बता दीजिए कि क्या वो दोषी था? वो बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहा था, मदुरई गया था, बिहार की जनता के लिए आवाज उठा रहा था, उसमें फंसा दिया गया। गरीब परिवार के बेटे को हक नहीं है क्या कि वो चुनाव लड़े? नहीं, हक नहीं है तभी ना उसके ऊपर केस हो गया, उसके साथ रहने वाले 10 लोगों के ऊपर केस हो गया। आज 10 हुआ, कल 50 होगा, परसों 100 होगा, 1000 होगा, 50,000 भी हो जाए, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। नेताओं पे भरोसा है? नेता पे तो नहीं है, नेता तो किसी के होते ही नहीं है। तो मनीष कश्यप भी तो नेता ही ना बनेंगे? बनेंगे तब ना, अभी तो एक बेटा है हम लोग के लिए। हम लोग चाह रहे हैं कि उनको नेता के रूप में देखें। आप हमको बताइए कि पुलिस किसका है, किसकी पुलिस है? सरकार की है। वो चाहे केंद्र से चलती हो या राज्य से चलती हो, किसी ना किसी से तो प्रशासनिक विभाग चलता है ना। तो अगर पुलिस उसके ऊपर केस किया है तो कहीं ना कहीं ऊपर से ऑर्डर आया होगा तब ना। पत्रकार हैं आप, बता दीजिए कि क्या वो दोषी था? वो बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहा था, मदुरई गया था, बिहार की जनता के लिए आवाज उठा रहा था, उसमें लोकसभा चुनाव 2024 का जब से ऐलान हुआ था तब से मनीष कश्यप भी राजनीति के मैदान में उतरेंगे ये साफ कर दिए थे। लेकिन अब जब से वो लोगों से बातचीत करना शुरू किए हैं, सड़क पर आना जाना शुरू किए हैं, तब से लगातार चर्चाएं और तेज हो गई। अब चर्चा और तेज इसलिए हुई क्योंकि आज एक खबर आती है कि मनीष कश्यप पर FIR हो गया है। FIR किस लिए हुआ? कहा जा रहा है कि आचार संहिता का मनीष कश्यप उल्लंघन कर दिए हैं। मनीष कश्यप के कुछ सपोर्टर्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो केस हुआ है ये सही हुआ है, गलत हुआ है, या फिर किस कारण से हुआ है। सबसे पहले इनसे बात करेंगे, क्या बोलिएगा ये सब कुछ जो हो रहा है? देखिए, मनीष जो है युवाओं के लिए और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, और जो जोश और जुनून के साथ जिस तरह से वो जेल से निकला और बिहार के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो उसमें अड़चनें आ रही हैं। अड़चनें आ रही हैं, तरह तरह के केस हो रहे हैं, उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, उसमें उसकी कोई गलती है नहीं। वो जा रहा है, जनता को उसके प्रति प्यार है, उम्मीद है, आशा है, जिसके चलते वो भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब उसके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन, उसमें वो दोषी थोड़ी है। अब मान लीजिए आप जाएं, हम जाएं, कहीं कोई जाए, आप बीच को बीच इकट्ठा हो जाए, तो हम दोषी थोड़े हैं। सुनने में आ रहा है उनके साथ साथ 10 और लोगों पर भी FIR हुआ है, सबको निर्दोष किया जा रहा है। उसके पहले जो केस हुआ है तो आप ही बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए कि क्या वो दोषी था? वो बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहा था, मदुरई गया था, बिहार की जनता के लिए आवाज उठा रहा था, उसमें फंसा दिया गया, तो उसके साथ 10 के 50 लोगों को भी फंसाया जा सकता है। अब बड़े बड़े, अब वो तो बड़ा है नहीं, वो गरीब परिवार का है, तो गरीब परिवार का आप उठा के देख लीजिए, सर्वे करा के देख लीजिए कि पूरे बिहार में अगर कोई दबे कुचला व्यक्ति है तो वो गरीब है। गरीब परिवार के बेटे को हक नहीं है क्या कि वो चुनाव लड़े? नहीं, हक नहीं है तभी ना उसके ऊपर केस हो गया, उसके साथ रहने वाले 10 लोगों के ऊपर केस हो गया। आज 10 हुआ, कल 50 होगा, परसों 100 होगा, 1000 होगा, 50,000 भी हो जाए, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। ये सरकार किसी की भी हो, केस के लिए सिर्फ मनीष कश्यप बने हैं। तो यही है, सीधा सीधी यही है कि अगर अब वो जनता से मिलना चाहता है, आज जनता उसको प्यार करती है, और ये बातें वर्तमान सरकार को खटक रही हैं, वो चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, कहीं की भी सरकार हो, वो खटक रही है, क्योंकि ये आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा करने वाला है। तो जो व्यक्ति डरा हुआ होता है ना, वो अच्छाई से डरता है, तो अच्छा व्यक्ति जो है वो किसी से नहीं डरता है, और डरा चोर चुका चक्का जो आदमी है वो डरता है। तो जो डरा हुआ व्यक्ति इसको फंसा रहा है, सरकार में सब कोई ईमानदार थोड़ी है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार फंसा रही है, फिर से मुसीबत और बढ़ाने की उम्मीद में? सरकार को नहीं कह रहे हैं। अच्छा ये आप हमको बताइए, पुलिस किसका है? आप हमको बताइए कि पुलिस किसका है, किसकी पुलिस है? सरकार की है। वो चाहे केंद्र से चलती हो या राज्य से चलती हो, किसी ना किसी से तो प्रशासनिक विभाग चलता है ना। तो अगर पुलिस उसके ऊपर केस किया है तो कहीं ना कहीं ऊपर से ऑर्डर आया होगा तब ना।
इसके पहले भी जो कामें हुई हैं, ऐसे आपकी राय है, इन लोगों से भी बात करते फिर आएंगे आपके पास, क्या बोलिएगा? अब तो केस हो गया है, क्या लग रहा है चुनावी मैदान में मनीष कश्यप डरेंगे? नहीं नहीं डरेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जो भी हो हम सब मित्र उनको चुनाव लड़वाएंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। आप लोग डर नहीं रहे हैं, अब आप पे भी तो केस हो सकता है। नहीं, उससे केस से किसी को डर नहीं है, जब मनीष भैया केस से नहीं डरे हम भी नहीं डरेंगे। और भीड़ की जो बात है तो पूरा बिहार मनीष कश्यप का परिवार है, और मनीष कश्यप जेल से निकल के अपने परिवार के पास आए हैं, न कि लोग के पास गए हैं। एक एक बात हम ये कहेंगे, इन्होंने कहा कि मित्र मित्र उनको चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, उनके सपोर्टर तो है ही पूरा बिहार का लोग, और पश्चिमी चंपारण लोकसभा की जनता जो है उनको जो है वो चुनाव लड़ा रही है। वो व्यक्ति अपने से चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं मैसेज गया है, इन्फॉर्मेशन गया है कि भाई मनीष आइए, मनीष आइए, मनीष आइए, तब वो आया है। वो लोगों के लिए आया है, अपने परिवार के लिए, क्योंकि कैसे आएंगे जब ऐसे, अगर मान लीजिए अभी चुनाव में बहुत टाइम है, केस पे केस किया जाएगा, तो वो फिर कैसे आकर बात करेंगे लोगों से? आगे बढ़ने वाला आदमी केस से नहीं ना डरता है, आप उसका बाइट उठा के देख लीजिए, वो स्टेटमेंट दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एनएसए से बड़ा केस नहीं ना किए हैं, जब एनएसए में तमिलनाडु से 2 सरकार को पानी पिया के आ गए तो इसमें भी जीत जाएंगे, ठीक है? आप पूरा बिहार उनका परिवार है, वो अपने परिवार के साथ चुनाव लड़ेंगे, जो भी परिस्थिति हो चुनाव लड़ेंगे। जेंट्स की बात कर रहे हैं, एक माँ है, वो उनसे पूछिए, उनसे पूछिए, वो भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप आए और भ्रष्टाचार को मुक्त करे, पूरे बिहार को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करे। माँ से भी बात कर लेते हैं, क्या बोलिएगा? मनीष कश्यप के ऊपर अब केस हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार साथ दे रहे हैं। हाँ हाँ, एकदम साथ देंगे, मोहल्ला का बेटा है, पूरे परिवार का बेटा है, यहाँ का लोग हर आदमी मनीष कश्यप को कुछ देखना चाहता है। महिलाएं कितनी साथ है मनीष कश्यप के? हमको तो लग रहा है 98% साथ है। 98%? हाँ एकदम साथ है। अब सब किसी के लिए काम किया है, गांव शहर सब गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हर घर में जा जा के उनका जो कमी है पूरा कर रहे हैं, और क्या चाहिए उनसे? यहाँ के नेता होता पे भरोसा है? नेता पे तो नहीं है, नेता तो किसी के होते ही नहीं है। तो मनीष कश्यप भी तो नेता ही ना बनेंगे? बनेंगे तब ना, अभी तो एक बेटा है हम लोग के लिए, हम लोग चाह रहे हैं कि उनको नेता के रूप में देखें। क्या आप लोगों का समर्थन? हाँ भरपूर समर्थन है। चलते एक दो लोग से और बात करते हैं। आपके बड़ी बात है, जो व्यक्ति पहली बार पूरे इंडिया में, ऐसा व्यक्ति है जिसके पूरे ऑल इंडिया के लोग चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप मेरे लोकसभा से चुनाव लड़े, जो आज बेतिया से लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बेतिया वाले इतना नहीं है कि डर के पीछे हट जाएंगे, मनीष कश्यप के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, एक नहीं 1000 FIR दर्ज कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मनीष कश्यप को। देखिए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, दिक्कत तो उनको हो ही जाती है। देखिए कितना करेंगे लोग, 1, 2, 3, 4 18 को झेल रहे हैं, जैसे 4 और झेलेंगे, मनो लोग सोच रहे हैं कि डर के भाग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मनीष कश्यप इतना कमजोर आदमी है नहीं जो उन लोग नेता लोग से डर जाएंगे, ठीक है? नेता लोग क्या कह रही है? एक बिहारी है मनीष, और भी बेतिया चंपारण का है, 100 पे भारी पड़ेगा, जितने भी पॉलिटिक्स मैन है सब पे भारी पड़ेगा। देखिए माँ का प्रेम है, तो देखिए माँ का प्रेम कह रहा है कि चंपारण का मनीष सब पे भारी पड़ेगा। इसका पहले नाम पूछिए, क्या नाम है आपका? झगड़ू मियाँ। देखिए ये झगड़ू मियाँ इसका नाम है, और ये न्यू कॉलोनी का है, और ये ब्लाइंडर सपोर्टर है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मनीष को चाहते हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा। फिर भी कितना कुछ आइडिया? समझे 100 से 100 होता है ना, उससे ज्यादा करते हैं। मनीष कश्यप कहाँ बसते हैं? दिल में बसते हैं? दिल में बसते हैं, हमारे दिल में बसते हैं। अभी उनके ऊपर केस हो गया है। उस थोड़ा मोड़ा होता ही है। जब वो हाँ होता ही है, उससे घबराने क्या बात है, होता है। आपको मैं बता दूं कि हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग उसको चाहने वाले हैं। वो चाहे गरीब तबका का लोग हो, या अमीर तबका का लोग हो, या पदाधिकारियों में भी उसको लोग चाहने वाले हैं। लेकिन पावर पोस्ट है तो वो आदमी कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन अंदर से एक ईमानदारिता झलकती है उसके अंदर, और उस पदाधिकारी के भी अंदर, और वो उसको पसंद करते हैं। बात बताइए, अभी जो केस ये वाला किया गया, FIR जो हुआ है, आखिर कारण क्या रहा होगा? इतनी जल्दी क्या आन पड़ी थी? मानते हैं केस मनीष कश्यप पर हो जाता है, पर इतनी जल्दी हो जाएगा ये पता नहीं। यही खटक रहा है ना, अगर कोई बड़ा नेता वर्तमान में हो या पूर्व में हो या लड़ने वाला हो, वो अगर जनसंपर्क करने जाता है तो वहाँ भीड़ जो इकट्ठा होती है 50, 75, 100, और
पैसा से भीड़ इकट्ठा करना पड़ रहा है, मनीष कश्यप को लोग देख के ही चले आते हैं, तो उसमें मनीष कश्यप के दोस्त थोड़े है। मनीष कश्यप जा रहे हैं, एक नहीं 10,000 लोग आए उसे, मनीष कश्यप तो अनाउंसमेंट करके नहीं, रैली करने के लिए जा ही नहीं रहे हैं। आज जब 2 दिन से हम रैली के लिए जा रहे हैं परमिशन लेने के लिए, भीतर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बाबू बताओ उसमें हम लोग क्या करें, बताए कि केस हो गया है, तो बताओ उसमें हम लोग क्या करें, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। रैली के लिए परमिशन भी नहीं मिल रहा है, अगर वो नियम के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं तो नियम के लिए भी कुछ मिल नहीं रहा है, फिर वो करेंगे। 21 तारीख को आज के डेट में रैली था, आज भी नहीं मिल पाया हम लोग को, 19 तारीख को था, 19 तारीख को भी नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा है, करेंगे कैसे काम, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, जैसे हो जैसे केस करे, कैसे करना करना होगा ना। आप केस की बात कर रही हैं, एक बात बताइए कि वो व्यक्ति जाएगा, मान लीजिए कि बेतिया से पटना जा रहा है, खुदा ना खास्ते रास्ते में कहीं उसको प्यास लग गई, किसी दुकान पे अगर रुक के पानी पी रहा है और वहाँ उसको देख के भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, तो उसमें भी आचार संहिता का उल्लंघन है, समझाइए लोगों। हाँ, अब ये जो कहीं जा रहा है बिना बताए, कहीं जा रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही थी, इसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, आप सही बताइए। मैंने ये, अब हम पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कहीं रुक रहे हैं, मान लीजिए हमको प्यास लग गई, भूख लग गई, कहीं किसी दुकान पे नाश्ते के लिए रुक गए, उसको चाहने वाले लोग हैं, उसके चेहरे को उसके गाड़ी को देख के इकट्ठा हो जा रहा था, इसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। अब वो बड़े बड़े नेता जो जहाँ किसी दुकान पे जा रहा है, भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है, तो उसमें उसकी गलती, बिना पूछे रवि किशन आ जाए बेतिया में तो भीड़ नहीं होगा तो क्या होगा, क्या बात कर रही है, भीड़ नहीं होगा तो क्या होगा, मनीष कश्यप आते हैं तो कितनी भीड़ होती है, उनको देखने के लिए भीड़ होता है, उनको देखने के लिए कश्यप का भीड़ अगर देखना है तो आप उसके साथ चले जाइए, चाहे उसके फेसबुक आईडी को देख लीजिए, तब पता चल जाएगा कि भीड़ कितना आता है। हम आपको बता दें, जेल से निकले वो प्यार था, वो आम जनता के लिए उनका प्यार था, तभी समर्थक, ऐसे नहीं कि समर्थक बस बिहार में है, मैं एक्चुअली मैं देहरादून में रह के पढ़ाई करता हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, वहाँ तक उनका प्यार बरस रहे हैं, वहाँ के भी बच्चे कॉलेज की क्लासेस छोड़ के लाइव देख रहे थे कि मनीष भैया कब जेल से निकलेंगे, कितना देर है, और जो जुड़े हुए थे, जो जानते थे कि मैं, मेरा घर उनके घर के करीब है, भाई क्या हो रहा है कि क्यों डिले हो रहा है कि मनीष भैया, ऐसा प्यार एक चंपारण में नहीं है, ये हर पूरे बिहार या ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका प्यार वाला ही छवि बरकरार है। अच्छा एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि वो जनसंपर्क कर रहे हैं बिना परमिशन के कर रहे, परमिशन मिल नहीं रही है, कर भी रहे हैं, उसमें गलती क्या? देखिए जनप्रतिनिधि कितना परमिशन ले पाएगा, प्रतिदिन हमको मान के चलिए जाना है तो कितना परमिशन लेकर हम घूमेंगे, अब परमिशन देने वाला होगा कौन, परमिशन मिल नहीं रहा तो फिर घूमेंगे कैसे, लोग से जनसंपर्क बनाएंगे कैसे, क्या लग रहा है कि चुनाव में मनीष कश्यप ना आए, ऐसा कुछ देखिए केस करके यही तो दिख रहा है कि मनीष कश्यप चुनाव ना लड़े, मनीष कश्यप डर के रुक जाए कि उनके ऊपर केस हो रहा है, कि अभी मान के चलिए 2 महीना चुनाव है, 2 महीने में रोज एक केस होगा तो 60 केस हो जाएगा, इसलिए कम से कम डर तो जाएंगे ना कि चुनाव ना लड़े मनीष कश्यप, डर मनीष कश्यप डर, हाँ मनीष कश्यप मतलब नेता लोग समझ रहा है ना कि मनीष कश्यप डर जाएंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसी से अभी शुरू कर दिए, बताइए आचार संहिता लगा, 1-2 दिन पहले लगा था, तीसरा दिन तले केस हो गया, ये डर कहाँ से आ गया इन लोगों के अंदर इतना, वो भी मनीष कश्यप को, ऐसा षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि मनीष कश्यप पर केस करके डरा के, और अभी कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ बोले हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ठीक है, अभी ये भी नहीं बोले कि हम बेतिया से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, अभी वाल्मीकि नगर क्षेत्र भी घूम रहे हैं, इधर भी घूम रहे हैं और मोतिहारी भी घूम रहे हैं, ठीक है, अभी उन्होंने ये कन्फर्म नहीं किया कि हम बेतिया से चुनाव लड़ेंगे, तब तक बड़े बड़े नेताओं को पसीना आना शुरू हो गया, ठीक है। जो परिस्थिति बनी है, आप लगातार पोस्ट करते रहते हैं, कुछ लाइन बोलना चाहेंगे किसके लिए? अभी जो बस आज इतना ही लिखे है कि कुछ भी हो जाए बस चुनाव हम लोग लड़ेंगे, कितना भी बाधा क्यों ना आ जाए हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में मनीष भैया के साथ हम लोग रहेंगे, कुछ भी जो भी परिस्थिति हो, जितना भी केस हो सारे लोग पे केस हो जाए फिर भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जेल से 19 में हम लोग मनीष भैया को सबसे पहले 19 में जेल से ही नॉमिनेशन करा दिए थे सांसद का, लेकिन उस वक्त नॉमिनेशन रद्द करा दिया गया, वो भी षड्यंत्र था, अरे शुरू से आज तक तो मनीष भैया को अभी तक पॉलिटिक्स में आने ही नहीं दिया गया, एक बार पॉलिटिक्स में नहीं रुकने वाले, नहीं इस बार नहीं रुकेंगे, इस बार कितना भी षड्यंत्र हो जाए कुछ भी हो जाए इस बार आएंगे, हम तो सांसद हम लोग नॉमिनेशन ऐसे में डलवा दिए थे बेतिया के लिए। आपकी अपनी राय है, दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? दर्शकों को यही कहेंगे कि आपके लिए मनीष कश्यप खड़े रहेंगे, और उन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि मत परेशान करो, बिहार का हित, चंपारण का हित अगर चाहते हैं तो मत परेशान कीजिए, इसको कुछ अच्छा करना चाहता है, अगर बिहार
के बड़े बड़े नेता अगर बिहार को एक ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम देखना चाहते हैं, तो इसको परेशान नहीं किया जाए, बस यही कहेंगे। और बहुत सारा प्यार दीजिए आप लोग, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए बिहार के लोग जो और आप लगातार देख रहे हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन में लोग बोल रहे हैं और अब FIR हुआ है उस पर भी लोग चुप नहीं बैठ रहे हैं, खासकर जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं। अभी माता जी हैं लगातार ये भी कह रही है कि एक बिहारी सौ पे भारी है ना। हाँ एकदम भारी, मनीष सब पे भारी है। हाँ, कैसे भारी है? हर क्षेत्र में भारी है। इसलिए वो गरीबों का काम कर रहा है, गांव गांव में जहां जो जरूरत है पहुंचा रहा है, जो काम करेगा वही ना भारी होगा। महिलाओं को कितनी उम्मीद है मनीष कश्यप से? हम क्या बोले, 98% बोले हैं। हाँ। अब इससे ज्यादा क्या बोले, 100 तो बोलेंगे नहीं, 98। मनीष कश्यप का एक ही सपना है कि बिहार को बदलना है, बिहार का विकास करना है। विकास करना है हर क्षेत्र में। यहाँ क्या विकास है, ना मेडिकल कॉलेज अच्छा है, ना स्कूल अच्छा है, हर क्षेत्र में जाता है, ना नगर पालिका विभाग अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं है। महिलाओं को दिक्कत होती होगी, एकदम आराम से सब चीज में दिक्कत हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा में यहाँ जाइए, यहाँ भी वही हो रही है। महिलाओं रात में छोटे छोटे बच्चे लेके घूम रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। अब जो विभाग है, माता जी अब मनीष कश्यप FIR हो गया और उनकी माँ सुनी होंगी तो उनको कितना ज्यादा दुख हुआ होगा? बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा, दुख हुआ होगा। जो तो आपको कैसे? हमको भी हुआ है, माँ सुने हैं कि फिर केस हुआ है उनपे। पहले तो हम नहीं जाने, माँ सुने हैं कि फिर केस हो गया है। अपने बेटे के लिए क्या बोलिएगा? बेटे के लिए वही ना बोल रहे हैं कि मेरा बेटा अच्छा है, मसीहा है सबके लिए। जो अच्छा रहता है उसी को दर्द मिलता है। आप अच्छी रहिएगा आप ही को दर्द मिलेगा। यानी कि सच्चाई का जमाना नहीं है? एकदम नहीं है, सच्चाई का तो जमाना ही नहीं है। अगर मनीष कश्यप के साथ ऐसा ही होता रहा तो गरीबों का साथ कौन देगा? कोई नहीं देगा, कोई देने वाला है नहीं। सब अपना अपना खिचड़ी पका रहा है, जितना भी पॉलिटिक्स मैन है खिचड़ी पका रहे हैं। इस समय जो भी इलेक्शन आएगा लोग हम यह करेंगे वह करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब वो बेचारा करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर खींचा जा रहा है, रोकने की कोशिश। हाँ, टांग खींचा जा रहा है या पैर खींचा, भ्रष्टाचार को दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हीं को मनीष कश्यप से डर है। जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हें मनीष कश्यप से कोई डर। आप ये दिखा सकती हैं, बाहर जो नलजल का काम हो रहा था वो 2021 में बरसात में काम हो रहा था, और जब लोगों ने ठेकेदार से पूछने गया कि आप इस बरसात में क्यों इस नलजल के काम को कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही काम होता है। ऐसे ही बताइए कि काम होता है क्या रोड का? और जब हम लोगों ने इस चीज़ का आवाज़ उठाया तो यहाँ की प्रशासन, नगर निगम या नगर आयुक्त कोई सुनने वाले नहीं थे, एवं सांसद विधायक तक नहीं सुनने के लिए तैयार थे कि काम अरे जस्ट लोग बोल रहे हैं बोलने दो। पर एक इकलौता मनीष कश्यप, उनका वीडियो भी है आप चैनल पे चेक कर सकती हैं, वो ही आवाज़ उठाने वाला और उसके बाद इस गली की रोड को ठीक करवाएगा और मेन रोड को भी, जो न्यू कॉलोनी टू हरिवाटिका कनेक्टिविटी रोड है उसको मनीष कश्यप ही एक इकलौता शख्स है कि उसने नगर निगम के JE को जाके किसी तरह भी आग्रह करके जैसे भी हो उसको करके उस रोड को बनवाया गया। देखिए लगातार जो मनीष कश्यप के समर्थक है वो अपनी अपनी बातों को आप सभी के बीच में रख रहे हैं, और रखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अब वो चुनाव में आने वाले हैं और अभी से केस होना शुरू हो गया है। हालांकि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।